देखो आज हम लोग सार प्लस असिमेट्रिक इक्वेशन के रिएक्शन से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं उनको विद इन 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सार प्लस असिमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ क्यों करते हैं। भाई एलाइलिक एल्कोहल है, उसका अगर इक्वेशन करना है, जैसे एलाइलिक एल्कोहल है इसका अगर इक्वेशन करेंगे तो हम लोग को सार प्लस असिमेट्रिक इक्वेशन करना पड़ता है। सार प्लस असिमेट्रिक इपोक्सीजन में क्या करना पड़ता है, एक एलाइलिक अल्कोहल होता है, एलाइलिक अल्कोहल को हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम टेट्रा आइसोपरोक्साइड और डाइथिल टार्ट्रेट, ठीक है। तो इस टाइप का बनता है हमारा प्रोडक्ट CH2CH, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या OH, और यहाँ पर क्या बन जाता है, इपोक्साइड रिंग बन जाती है, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डायथिल टार्ट्रेट है वो दो टाइप के होते हैं, प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है, और माइनस और प्लस पर ही स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही आते हैं, ठीक है। इपोक्साइड रिंग या तो अबव द प्लेन बनती है या तो बिलो द प्लेन बनती है, वो डिपेंड करेगा डायथिल टार्ट्रेट कैसा है, नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो जैसे ये डबल बॉन्ड हमारे पास है एलाइलिक एल्कोहल का, जो डबल बॉन्ड है इसको हमने क्या करना है, रोटेशन करके हमने CH2 को रोटेशन करना है, जिससे CH2 को ऐसे रोटेशन करना है कि जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये वर्टिकल हो जाए इस टाइप से। अब देखो जैसे ये वर्टिकल हो गया तो CH2 चल जाएगा इधर और OH चल जाएगा इधर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास जो OH है एलाइलिक एल्कोहल का जो OH है वो राइट हैंड साइड में आ गया, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड बोल दिया, ठीक है। इसको भी देखो रोटेशन कैसे करना है, डबल बॉन्ड कैसे भी वर्टिकल हो तो डबल बॉन्ड वर्टिकल कर लिया पहले, उसके बाद डबल बॉन्ड वर्टिकल करने के बाद देखो डबल बॉन्ड वर्टिकल कैसे किया होगा ऐसे, तब ये रोटेशन हो गया, इसको रोटेशन करने के साथ ये भी इधर आ गया होगा, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा और OH पहुँच गया यहाँ ऐसे, इसमें क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब इसको करेंगे तो देखो सबसे पहले वर्टिकल कर लो OH, सॉरी डबल बॉन्ड को वर्टिकल कर लिया, तो डबल बॉन्ड को वर्टिकल कैसे किया होगा, देखो या तो आपने इसको यहाँ से ऐसे रोटेशन करो या यहाँ से रोटेशन करो तो सेम आएगा, यहाँ से आपने रोटेशन करा डबल बॉन्ड वर्टिकल हो गया, तो इसकी पोजिशन जो CH2 है ये वाला पोजिशन ये यहाँ पर आ गया, OH यहाँ आ गया, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी बात करते हैं तो फिर से ये वर्टिकल कर दिया हमने, वर्टिकल कर दिया तो उसके बाद इसकी पोजिशन क्या होगी, देखो जैसे हमने इसको वर्टिकल करा कहीं से भी आप कर सकते हो, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद ये पोजिशन ये CH2 यहाँ चले जाएगा और ये OH यहाँ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करने से पहले हमको जो हमारे पास CH2OH है ये कैसे भी हमको डबल बॉन्ड वर्टिकल करके CH2OH की पोजीशन चेक करनी है, ठीक है। जैसे देखो CH2OH इस केस में क्या हो गया, इस केस में CH2OH जो हमारा है वो राइट हैंड साइड में आ गया, तो अगर CH2OH राइट हैंड साइड में हो, अगर उस केस में माइनस डेड दिया हो, माइनस डाइएथिल टार्ट्रेट दिया हो, तो जो इपोक्सीडेशन होगा वो इपोक्सीडेशन जो होगा वो अबव द प्लेन होगा, इस टाइप से, इस टाइप से इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर देखो इस केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमको सपोज करो इस केस में जब CH2OH राइट हैंड साइड में हो तो हमको प्लस डाइएथिल टार्ट्रेट दिया होता तो जो मेजर बनता हमारा वो कैसा बनता, बिलो द प्लेन, जो इपोक्साइड रिंग बनती बिलो द प्लेन बनती, इस केस में हमारा मेजर ये होता, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग इसकी पोजीशन देखो, ये तो ऑलरेडी वर्टिकल है, वर्टिकल है और CH2OH CH2 किस साइड है, राइट साइड है। अब मैंने क्या बोला, अगर CH2 राइट हैंड साइड में है और नेगेटिव वाला दिया तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें इपोक्साइड रिंग अबव द बनी होगी, अबव द प्लेन, तो ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। अब इस केस में क्या कर रखा है, देखो CH2OH के साइड में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है तो प्लस दे रखा है, तो कौन सी मेजर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये मेजर हो गया इस केस में, और प्लस के केस में प्लस डाइथिल टार्ट्रेट के केस में इधर साइड जो हमारी इपोक्साइड रिंग जो फॉर्मेशन होगी, जो इपोक्साइड रिंग होगी वो कौन सी होगी, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर वाली हमारी मेजर होगी,
ऐसे सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चनों को। तो अब हम लोग अगर ये समझ गए तो उसके बाद देखो बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पर यूज जाते हैं डायरेक्ट। तो देखो ये केस अगर हम देते हैं तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस डबल बॉन्ड को देखना होगा, डबल बॉन्ड ऐसे है और उसके बाद सी एस टू ऐसे है। अब हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को वर्टिकल करना, तो ऐसे हो जाएगा और सी एस टू ओ एच, ये सी एस टू यहाँ, ओ एच इस साइड। जो सी एस टू ओ एच की पोजिशन है वो राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में और यहाँ पर माइनस दे रखा है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, जो इपॉक्सीडेशन होगा वो रिंग जो बनेगी हमारी वो कहाँ बनेगी, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर ऐसे बनेगी। और जो कंपाउंड है पूरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस दिया होता तो जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनता वो कैसा बनता, बिलो जो रिंग बनती, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर बनती, ठीक है। इस केस में देखो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सेम ऐसे है, देखो इसमें भी कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये ऐसे है अभी, उसके बाद सी एच टू ओ एच देखना है बस। देखो ये उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सी एच टू ओ एच देखना है। अब हमको इसको वर्टिकल करना है, तो वर्टिकल कैसे होगा बताओ, इसको हम यहाँ से वर्टिकल कर लेंगे। जैसे यहाँ से वर्टिकल करेंगे तो ये सी एस टू यहाँ चले जाएगा, सी एस टू ओ एच हो जाएगा, सॉरी ये इस साइड घुमाएगा, सॉरी हाँ मिस्टेक हो रहा थोड़ा। तो जैसे ही मैंने इस डबल बॉन्ड को रोटेशन करके, इस डबल बॉन्ड को ये अभी ऐसे है ऐसे करूँगा, तो आपको पता है जो सी एस टू है यहाँ आ जाएगा इस साइड, और ओ एच ऐसे चले जाएगा। तो देखो सी एस टू ओ एच के साइड आया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और प्लस दे रखा है, तो जो जो हमारी रिंग बनेगी वो बिलो द, सॉरी अबव द प्लेन ऑफ द पेपर बनेगी ऐसे। तो इसमें अभी मैं शॉर्ट रूल आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर बता रहा हूँ देखो क्या करना है, हमको रोटेशन करना है और रोटेशन डबल बॉन्ड को ऐसे करना है कि डबल बॉन्ड वर्टिकल हो जाए, उसके बाद सी एस टू ओ एच की पोजिशन देखनी है। अगर सी एस टू ओ एच डबल बॉन्ड के वर्टिकल होने के बाद राइट हैंड साइड में आ रहा है और आपको डाईएथिल टार्ट्रेट नाइन नेगेटिव में दे रखा है, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा बनेगा अबव द प्लेन ऑफ द पेपर वाली जो रिंग, इपॉक्साइड रिंग बनेगी, ठीक है। अगर इसके केस में प्लस दिया होता तो बिलो द वाली बनती, ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में ये होता तब। अगर सपोज करो ये सी एस टू ओ एच हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता, सपोज करो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको अगर माइनस डाईएथिल टार्ट्रेट दिया होगा तो बिलो वाली मेजर बनेगी, और प्लस वाला प्लस डाईएथिल टार्ट्रेट दिया होगा तो अबव वाली मेजर बनेगी, इस जैसे इस केस में करा हमने, ठीक है। अब ये भी सिंपल है, देखो इस केस में क्या करना है कि डबल बॉन्ड हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है। इसको हमने रोटेशन करके कहाँ पहुँचाना है, इसको रोटेशन करके वर्टिकल कर देते, तो देखो ऐसे दे रखा है कुछ, इसको हम वर्टिकल करेंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ, और सी एस टू की पोजिशन यहाँ होगी, ओ एच की पोजिशन यहाँ को होगी इस साइड को, तो कुछ ये इस टाइप का बन जाएगा, देखो ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है ऐसे बन जाएगा। अब दे रखा है माइनस स्टार्ट, अभी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया सी एस टू एच और माइनस दे रखा है, तो कौन सी जो हमारे पास, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो उसमें तो इपॉक्साइड रिंग बनेगी, वो कैसे बनेगी, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर इस टाइप से बनेगी ऐसे, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और पूरा कंपाउंड ऐसे ही आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या करना है कि सिंपल है, इसमें भी इसमें तो आपको पता है ऑलरेडी वर्टिकली है, तो इसको ऐसे ले कर सकते हैं, थोड़ा सा रोटेशन करने के बाद सी एस टू फिर से इस साइड रहेगा और ये, तो ये क्या बन गया लेफ्ट, सॉरी राइट हैंड साइड में हमारा सी एस टू ओ एच आ गया, तो प्लस दे रखा है, तो आपको पता है रिंग प्लस में क्या होगा, जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर, यहाँ पर सी टू एच फाइव होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इपॉक्साइड के जो भी क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, सपोज करो हमारे पास राइट हैंड साइड में, राइट हैंड नेगेटिव टार्ट्रेट दिया हो, तो जो हमारी जो रिंग बनेगी वो अबव द प्लेन ऑफ द प्लेन बनेगी, ठीक है। एक पहला तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड ये क्या है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हमको दे रखा है, और यहाँ पर हमारी जो रिंग बनेगी वो बनेगी बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। देखो इसका मतलब फिर बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में देखना है, एक जगह देखो राइट हैंड साइड अगर सी एस टू ओ एच है तो उस केस में आपको माइनस एम मतलब माइनस माइनस डाईएथिल टार्ट्रेट दे रखा है, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो अबव द प्लेन ऑफ द पेपर बनेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर हमको जो सी एस टू ओ एच हमारा है वो राइट हैंड साइड में आ रहा है रोटेशन करने के बाद, आपको चेंज करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा रफ में, ठीक है। सी एस टू ओ एच अगर राइट हैंड साइड में आ रहा है, उस केस में अगर आपको पॉजिटिव वाला डाईएथिल टार्ट्रेट दे रखा है, तो जो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो
बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। राइट हैंड साइड वाला याद कर लो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जस्ट इसका अपोजिट होगा।